आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन हियर इज सिक्स आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मतलब सबका साइड लेंथ बराबर होगा, ऑफ साइड लेंथ एल। इफ द मास ऑफ वन ऑफ द पार्टिकल इज डबल्ड, मतलब कि इंटू टू किया जाता है, द शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास इज। तो सबसे पहले तो पहले क्या था, पहले कुछ ऐसा सिस्टम था जिसमें कॉर्नर्स पे मास लगा हुआ था एम, यह एक रेगुलर हेक्सागन, साइड लेंथ है एल। तो हम सिंपल ये देख के पता चल रहा है बायसिमेट्री कि सेंटर ऑफ मास इसका राइट करेगा यहाँ पे एकदम बीचों बीच ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। बाद में क्या किया जाता है और ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इसका और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा इनके बीचों बीच, जो कि ये एल है, ये एल है, तो यहाँ पे लाइक करेगा इसका, इसका यहाँ पे लाइक करेगा, इनका इनका यहाँ पे लाइक करेगा, ठीक है। तो बाद में क्या किया जाता है कि किसी एक मास को डबल कर दिया जाता है, तो कितना शिफ्ट होगा, तो एक काम करते हैं इसको डबल कर देते हैं, तो इसको सिस्टम कुछ ऐसा हो जाएगा, एम 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 और ये टू एम, लेकिन ज्योमेट्री को सेम रखा गया है, ये एल होगा एल एल, ये होगा आपका ज्योमेट्री का सेंटर, ये भी एल होगा क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है। तो इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि इज इक्वल टू एम प्लस एम, यानी कि यहाँ पे एम है और एक और एम रखा हुआ है, तो सारे जो एम वाले हैं उसको ऐसे सोच सकते हैं ऐसा कुछ, एम 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 प्लस ऐसा सोच सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ है जीरो 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 और एक एम, इसको ऐसा सोचा जा सकता है। तो इसका सेंटर मास यहीं पर होगा, इन सब का यानी कि सिक्स एम को यहाँ एज्यूम कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास, मतलब कि यहाँ पे होगा रिजल्टेंट और इसमें यहाँ पे होगा। तो यानी कि हम लोग को बात करना है कुछ इस टाइप का, सोचना है इसको, एक लाइन है इसका वैल्यू है एल, यहाँ पे सिक्स एम है और यहाँ पे है एम, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। मान लीजिए कि यही है आपका एक्स एक्सिस, तो ऐसा सोच सकते हैं इसको हम लोग, ये है अगर जीरो कॉमा जीरो और ये है एल कॉमा जीरो, तो ये हो जाएगा पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सिक्स एम इंटू जीरो प्लस एम टाइम्स एल बाय सिक्स एम प्लस एम, विच इज इक्वल टू एम इंटू एल बाय सेवन एम, विच इज इक्वल टू एल बाय सेवन, यानी कि नेट सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहाँ पे कुछ होगा, डिस्टेंस होगा एल बाय सेवन, वहां पे एल बाय सेवन पे यहाँ पे होगा आपका टोटल सेवन एम। तो यानी कि पहले था यहाँ पे, पहले था सेंटर ऑफ मास 2m m m m m, पहले सेंटर ऑफ मास था यहां पे, अब यहां से उठ के आ गया है कुछ डिस्टेंस l बाय सेवन पे, तो शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट हुआ हमारा l बाय सेवन का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थ्री, l बाय सेवन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।